Hey bro, I'm the feminist. I love feminism. I support feminism. Feminism ki jai ho, jai ma feminism. अच्छा एक बात बता, feminism की व्याख्या क्या है? वही जो लड़कियों को और औरतों को support करे. Nope, wrong. नहीं? Hi, my name is Ramta Jogi Vashishth and welcome to my YouTube channel. आज बात करनी है feminism the scam की. कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि समटाइम्स आई फील दैट फेमिनिज्म इज क्रिएटेड बाय मैन जस्ट सो दैट दे कैन हैरेस विमेन ओपनली. नाउ दिस स्टेटमेंट शुक मी टू द कोर, बट एट द सेम टाइम इट टुक मी बैक टू वन ऑफ द इंस्टेंसेस जब एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन ने बहुत सारी बातें बहुत टाइम पहले कही थी अगेंस्ट विमेन, बस ऐसे ही जोक्स बनाए थे एंड दैट टू डेरोगेटरी कॉमेंट्स. कुछ टाइम बाद जब उन्हीं की कंपनी पे कुछ लोगों ने ऐसे ही टॉपिक्स पे हल्ला मचाया, यू नो इट वाज लाइक अ प्रोटेस्ट, इट वाज अ ह्यूज थिंग. और धीरे धीरे करते करते जब वो कंपनी गिरने लगी तब वो सारे क्रिएटर्स को लगा कि ये तो गलत कर दिया. उसके बाद हर कोई जय फेमिनिज्म करने लगा, इंक्लूडिंग दैट स्टैंड अप कॉमेडियन. नाउ प्रेजेंटली दैट गाय इज डूइंग वेल इन हिज लाइफ, ग्रेट, ह्यूज रिस्पेक्ट. बट एट द सेम टाइम उसकी वो जो मेंटालिटी है उसका तकाजा भी पता चल गया ना. यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सपोर्टिंग फेमिनिज्म? मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म. लड़कियों को सपोर्ट करो, औरतों को सपोर्ट करो, नहीं सिर्फ वो नहीं है, इट इज अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, द डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी वाला कॉन्सेप्ट. यू नो हमारे फेमिनिज्म में ये भी एक प्रॉब्लम है कि लेट्स सपोर्ट वुमेन उसका सिर्फ नारा लग रहा है. मतलब कुछ मर्द इसीलिए भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं बिकॉज आगे जाके उनको कोई बोले ना कि तुम सब मर्द एक जैसे हो या फिर हम उन मर्दों जैसे नहीं हैं, प्लीज हमको ऐसा मत बोलो, ये सब ना सुनना पड़े, बस उसी के लिए सपोर्ट करते हैं. बाकी उनको टंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या फेमिनिज्म क्या औरत, कुछ भी नहीं. पता है क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आज भी देयर इज अ ह्यूज इनडिफरेंस इन पे स्केल. कॉर्पोरेट छोड़ो, बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ यही इनडिफरेंस है. और ये सब छोड़ो, घर की बात देख लो, घर में कौन सा फेमिनिज्म चल रहा है, घर में कौन सी इक्वालिटी चल रही है? ज्यादातर काम लड़कियां या औरतें करती है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज का कोई सीन ही नहीं है. हाँ लॉकडाउन की बात अलग थी कि उसमें काम करना पड़ रहा था, बट क्या वहां पे भी इक्वालिटी है? ज्यादातर घरों में नहीं है, मेरे घर में है. माई फादर हैज टॉट मी दैट and that is one of the reasons why I am openly talking about this or giving examples of my own family. par har kisi ke ghar mein aisa nahi hota hai, zara dekhiyega aur ho sake to uski shuruaat kijiyega. ye sab ladkon ke liye, as I said ke feminism is all about equality, equal opportunities. that does not mean ke hum ladkiyon ko ya auraton ko humse upar ya humse aage rakh rahe hain ya it is about male bashing, aisa nahi hai. it is about let her be where she is. Let her create her own world and bloom just the way she wants to bloom. Yeah? And you know, जब मैं ऐसे statement सुनता हूँ ना कि चलो हम एक साथ औरतों को आगे बढ़ाते हैं, उनको equal opportunities देते हैं, हम थोड़ा उनको बढ़ावा देते हैं, मैं और आप होते कौन है ये सब करने वाले? उनको जो करना है वो करने दीजिए. जो हमने बहुत अरसों से एक world create किया हुआ है, the dominating world, उसमें अपना थोड़ा सा हिस्सा कम कर देंगे ना तो छोटे नहीं हो जाएंगे. एंड यू नो आई रियली विश कि अब हम फेमिनिज्म से थोड़ा आगे बढ़े या उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपलिस्टिक बनाए और ह्यूमैनिज्म में जाए, तो ये इक्वालिटी राइट वाला जो सीन है ना वो बहुत आसान हो जाएगा. क्योंकि बात तो ये भी है ना कि जेंडर सिर्फ दो नहीं है, मैन और वुमन, वही सिर्फ दो जेंडर्स नहीं है हमारे आसपास. तो लेट्स टॉक अबाउट द रियल ह्यूमैनिटी, उनकी इक्वालिटी की बात करते हैं, सबकी इक्वालिटी की बात करते हैं. ठीक है, ठीक है. ऑल राइट, दैट्स इट फॉर माय साइड. वेट, दो चीजें हैं, एक वीडियो दिखाना है, दूसरा आपको सवाल पूछना है कि व्हाट इज योर ओपिनियन. तो पहले ये बता दीजिए कि ये जो बुरा आपने वीडियो देखा उसमें आपका क्या ख्याल है, क्या सवाल है, अग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, यू हैव सम डिफरेंट थियोरी या कोई डिफरेंट इंस्टेंस, क्या है वो मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स. फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए ऑलवेज ओपन है हमारा कमेंट बॉक्स. या उसके साथ साथ अ ह्यूज शाउट आउट टू दीज गाइज जिन्होंने मेरे लफ्जों के मोती के वर्ड्स पे लिरिकल डांस मूव्स किए हैं. अ ह्यूज शाउट आउट यार, क्या मजा आ गया. तो देखिए और एंजॉय कीजिए. इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली. कीप मुस्कुराना, बाय बाय. रॉकस्टार मूवी का वो डायलॉग है ना, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स, नॉट जस्ट फ्रॉम दैट मूवी बट सिनेमा की बात करें तो. क्यों? क्योंकि यार
हम ऐसे डरे हुए लोग हैं कि जो दर्द को सहते तो हैं पर आगे बढ़ते नहीं हैं। मतलब वो जो ऊपरी परत होती है ना, वहां तक रहते हैं और फिर हम इतना रो लेते हैं, इतना ओवर फील कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि उसके अंदर जाके कितने सारे मोती छुपे हुए हैं। वो डियर जिंदगी में डायलॉग है ना कि अगर दिल से रोगे नहीं या खुल के रोगे नहीं तो खुल के हंसोगे कैसे। बिल्कुल वैसे ही अगर खुल के उस दर्द का एहसास करोगे नहीं तो खुल के खुशी का एहसास कैसे कर पाओगे।